प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं शिखा जैन, पीआरटी टीचर, आज आप सभी बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और मेरा विषय है संज्ञा। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यह टॉपिक संपूर्ण तरीके से समझ आएगा। अगर आप सभी बच्चों को और अभिभावकों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। संज्ञा शब्द की परिभाषा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है। संज्ञा शब्द की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर दोहराऊंगी मैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति, पर्सन, वो लड़का भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। और लड़के का नाम हम उसे कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल राम। आदमी को हम कह सकते हैं डाकिया अंकल और लड़की को हम कह सकते हैं रीटा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे वस्तु की। वस्तु, थिंग्स, ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। टेलीविज़न, अलमारी, तस्वीर, लैंप, टॉयज़, खिलौने और पलंग। तो ये क्या हो गई आपकी वस्तुएं हो गई। अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। स्थान, प्लेस, बगीचा, स्कूल एंड हॉस्पिटल, इनको क्या बोला जाता है, ये सब स्थान के नाम हैं। बगीचे हम सब जाते हैं, स्कूल तो आजकल सब लोग मिस कर रहे हैं, और लास्ट वन इज हॉस्पिटल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को इन चित्रों के माध्यम से समझाई हुई संज्ञा शब्द की परिभाषा समझ आई होगी। एक बार फिर दोहराती हूँ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना?